अस्सलाम वालेकुम, बाजमा डेली में खुश आमदीद। आज मैं आपको बड़ी डिफरेंट रेसिपी बताने वाली हूँ जो मैं वक्त में बनाती रहती हूँ। जब मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ और खाने को तो पराठे या रोटी के साथ मैं ये बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है। 5 मिनट में ये आपकी रेडी रहती है और कुछ भी ना हो, आपके पास टमाटर हो तो आप इसको बनाएं और मज़े ले लेके खाएं। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैंने टमाटर, 7 टमाटर हैं ये, जितने आपके पैन में आएंगे, जितने आपको ज़रूरत है उस हिसाब से बनाए। मैंने ये 7 थे मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको हाफ हाफ कर लिए। अब मैं आपको 2 टेबलस्पून जो है कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद हम देखेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर रहे हैं कि इस तरीके से आप इसको पील कर लें। इसके साथ थोड़ा सा बड़ा है। हाँ जी, टमाटरों ने काफ़ी पानी छोड़ा है, इसी पानी के अंदर ये पक जाएंगे। फ्लेम हम मीडियम कर रहे हैं। अब जस्ट आपने इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करना है और 1/2 टीस्पून ही आपने काली मिर्च, 2 से 3 सब्ज मिर्च आपने इस तरीके से कट लगा के जो है वो भी इसके अंदर डाल देनी। ये वो सब्ज़ मिर्चें हैं जो कड़वी नहीं होती। अब आप ऐड कर दें 1 टेबलस्पून मक्खन। हाँ, तकरीबन ये रेडी है। इसने ऑयल छोड़ दिया, जो हमने मक्खन डाला था उसमें ये अच्छे तरीके से भुज गई है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे बारीक काट के। बहुत ज़बरदस्त आपकी जो है टमाटो करी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह।